ये चूड़ी वाले बाबा आके क्या करते देखते है, होपफुली वो मेहता सबको ठीक करे। हेलो, मैं हरिकिशन बोल रहा हूँ, प्रभु नगर से। मुझे 5 किलो पापड़ और 2 किलो अचार चाहिए। हाँ मिल जाएगा, लेकिन मैं आज डिलीवरी नहीं दे सकता, मैं कल या तो परसों डिलीवरी करूंगा, चलेगा ना? क्यों? अरे इनको कर्ज के भूत के बारे में बोल नहीं सकता, वरना बात फैल जाएगी। वो क्या है ना, आज थोड़ा सा पर्सनल प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कल या तो परसों डिलीवरी कर पाऊंगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद। नॉर्मल हो जाएगा मतलब? मतलब हमारे एक पहचान के है, वो थोड़े से हॉस्पिटल में एडमिट है, वो ठीक होने के बाद मैं आपको डिलीवरी कर सकता हूँ कल या परसों, चलेगा ना? सॉरी मैं बाद में फोन करता हूँ। थैंक यू। देवा, ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ रहा है, कठिन है। ना आचार बॉर्ड की डिलीवरी कर सकता हूँ, ना बच्चों के ट्यूशन ले सकता हूँ, ना सोसाइटी का काम कर सकता हूँ। एक बार ये मेहता साहब के अंदर का करेले का भूत निकल जाए तो शांति से काम करने को मिलेगा। हेलो, अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अरे नहीं, मेरा मतलब है ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या? जो बात मैंने सुनी है उस बात से हमारी शांतिना सोसाइटी के अंदर अशांति फैली हुई है। तो पर ऐसा क्या सुना आपने सुरेश भाई? अरे यही कि आपकी सोसाइटी के अंदर किसी को करेले के भूत ने पकड़ लिया है। हेलो, बात फैली गई। आपको किसने बताया? अरे वो सब्जी वाली, वो कह रही थी कोई मेहता साहब है, वो करेले उछाले जा रहे। अरे नहीं सुरेश भाई, अरे ये सब अफवाह है। एक्चुअली क्या हुआ था ना, वो मेहता साहब की वाइफ है ना अंजलि भाभी, तो उनकी कीमती अंगूठी ना वो करेले के सब्जी में गिर गई थी, कहीं खो गई थी, तो उसको ढूंढने के लिए मेहता साहब करेले उछाल रहे थे। क्या आप भी ऐसे, कोई करेले का भूत थोड़ी होता है। यस, लगता मुझे कोई कंफ्यूजन हो गई थी। चलिए बेटा भाई। हाँ ठीक है। बाप रे, ये करेले की भूत की बात तो आग की तरह फैलती जा रही है। चिंटू क्यों फोन कर रहा है? छुट्टी दी फिर भी शांति नहीं है इसे। हाँ बोलो चिंटू। सर मैंने सुना है कि आपकी सोसाइटी में किसी के अंदर करेले का भूत है। तुम्हें भी पता चल गया? यानी सच है? तुम्हें भी पता चल गया मतलब तुम तक भी ये अफवाह पहुंच गई। असर सर, ऐसी अफवाह नहीं उड़ती, और आप ही तो सिखाते हो ना, आग हो तो ही धुआं होता है। किंतु मैंने ये भी सिखाया है कि आंखों देखी पर विश्वास करते हैं, कानों सुनी पर नहीं। ऐसा है तो जब आप उस करेले वाले भूत को देखे ना, तब उसका वीडियो लेकर मुझे भेज देना। मुझे और कोई काम नहीं है क्या? क्या वीडियो भेज देना? यहाँ पे कोई भूत नहीं है। तो फिर आपने आज क्लास कैंसिल क्यों की? वो मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए। अच्छा, मतलब भूत आपके अंदर ही आया है? ये मेरे अंदर भूत होता तो मैं तुमसे नॉर्मल बात करता। सर शायद आपको नहीं पता, आप नॉर्मल बात नहीं कर रहे हो। मैं नॉर्मल ही बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भूत नहीं है, ना मुझ में और ना ही मेहता है किसी और में। तो सर अभी ऑनलाइन क्लासेस ले लूँ ना? रुको, एक बार भूत उतर जाने दो, फिर तुम्हारी अच्छे से क्लास लेता हूँ। उतर जाने दो मतलब? मतलब तुम्हारे सर पे जो दूसरों को फोन करके टाइम पास करने का भूत है ना, उसको उतर जाने दो, फिर तुम्हारी क्लास देता हूँ। अभी फोन रखो, नहीं तो घर पे आके तुम्हारी क्लास लूंगा मैं। नहीं सर, ऐसा मत कीजिएगा। बाय 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 बाय। पार्ट, बाप रे ये करेले की भूत की बात तो फैलती जा रही है। जल्दी से चूड़ी वाले बाबा आए और इस समस्या का समाधान निकाले। साढ़े 8 बज गए, चूड़ी वाले बाबा अभी तक आए क्यों नहीं? अरे मालक है मैं, ये सोसाइटी की मीटिंग थोड़ी है। अरे वो माधवी भाभी ने उनको बुलाया है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ लेकिन मुझे नहीं पता, मैं भी वेट कर रहा हूँ ना भाई। आप लोगों को सच में ऐसा लग रहा है कि ये चूड़ी वाले बाबा भूत भगा पाएंगे? आई डोंट नो, 2 घंटे में कोई किसी को कह दे ठीक कर सकता है। ओए यारो, ओ मैं पहले ही कह देता हूँ, अगर चूड़ी वाले बाबा ने ऐसा कर दिया, वो मेहता साहब का भूत भगा दिया, तो मैं उनको मोंडे पे बिठा के, किसके? अरे कंधे पे बिठा के पूरी सोसाइटी में ना भंगड़ा करूंगा। और नहीं भगाया तो? और अगर नहीं भगा पाया तो लस्सी दी सौ, मैं उस चूड़ी वाले बाबा को उसकी चूड़िया पहना के सारे नाच नचाऊंगा। ओ जी मिठी मिठी बातें करके हमारी महिला मंडल को
धोखा देने वाले को मैं कंडा माने। अरे ए सोड़ी, मैं सोनू का बाबा हूँ, चूड़ी वाले बाबा नहीं। सॉरी 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 सॉरी, पर भारी है। पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे तो अभी से टेंशन हो रहा है। जो भी है, अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि चूड़ी वाले बाबा भूत को भगा पाते हैं या सोड़ी के हाथ का मार खाते हैं। यारो जो भी हो, मजा आने वाला है। तो मुझे तो आज ऐसा लगता है जैसे वर्ल्ड कप का ना फाइनल मैच चल रहा है जी। तो मैं तो एक एक पल एंजॉय करने वाला हूँ। क्या थोड़ी, यहाँ पर इतना टेंशन चल रहा है सोसाइटी में और तुमको एंजॉय करने का सूझता है? क्या हुआ, वो 8:30 बजे चूड़ी वाले बाबा आने वाले थे, आए नहीं अभी तक? अरे हम भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं बाबा। जो बाबा खुद टाइम पे नहीं आते, वो 2 घंटे में किसी का भूत क्या निकालेंगे। लो, महिला मंडल भी आ गई। माधवी, कहाँ रह गए तुम्हारे बाबा? मेरे बाबा? अरे मतलब वही चूड़ी वाले बाबा। तुमने कहा था ना बहुत ही सिद्ध हस्त है, गुणी है, वक्त बहुत पाबंद है, अभी तक आए नहीं, 8:30 बज गए। क्या हुआ, आप लोग हमें देख के ऐसे हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है बाबा कब के आ गए हैं। स्ट्रॉबेरी है? आ गए, वो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कहीं ये बाबा खुद ही भूत तो नहीं है? जैसे लोहा लोहे को काट जाए, वैसे भूत को भगाने के लिए भूत तो नहीं आया है। वेरी फनी हाँ यार, बाबा कब के आ चुके हैं और क्लब हाउस में वो सारी तैयारी भी कर चुके हैं। अच्छा, लेकिन वो तो पहले यहाँ आने वाले थे ना? हाँ हाँ, लेकिन इधर भूत निकालते और किसी के घर में घुस जाता तो? इसलिए वो बंद क्लब हाउस में सारी तैयारी कर रहे हैं। चलो फिर सब क्लब हाउस चलते हैं। चलो चलो। अरे मिनी मास्टर, सब लोग क्लब हाउस क्यों जा रहे हो? अभी वो बाबा आने वाले हैं ना। चाचा जी, बाबा कब के आ गए हैं? क्लब हाउस में है। अरे चाचा जी, तुसी कर ले, वो बागा पर आ गए थे। वो बागा को दुकान का कुछ अर्जेंट काम आ गया तो उसे जाना पड़ा। अच्छा मीता मंडे, एक बार आप सब लोग सुन लीजिए, क्या है किसी को क्लब हाउस में नहीं आना है तो मत आइए। क्यों क्यों, क्लब हाउस में क्यों ना आए? नहीं, वो बाबा कह रहे थे कि कभी कभी क्या है विधि में डर लगता है या कमजोर मन वालों को ना बुखार भी आ सकता है वो सब देख के। हाँ। छड्डो डर दी गल माधवी बेड़ी, ओ मैं तो आधी रात को कब्रिस्तान में जाके बैठ सकता हूँ। जस्ती होशियारी मारे छे, पार्टी शाटी करके तो कोई कहीं भी बैठ सकता है। डर तो मेरे को भी नहीं लगता है। नहीं ना ना, इल्ले जी भी कोई डर नहीं है, मैं भी आऊंगा। हाँ चाचा जी, आप मत आना, आप घर पे रहना। हाँ दादाजी। अरे नीलेश, क्या घर पे रहिए? अरे तुम सब लोग क्लब हाउस में जाओगे, मैं अकेला घर पे। नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लगेगा, मैं तुम लोग के साथ ही आऊंगा। तुम लोग सब साथ में रहोगे तो मुझे थोड़ी हिम्मत रहेगी। ठीक है फिर चलते क्लब हाउस। चलो आइए। माधवी भाभी, अब सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ सगा ऑलमोस्ट झाला है। ओ यारो, जो गड्डी रिपेयर होनी है वो तो यहीं पर है। ओ यार, गैरेज में काम कर करके ना ये लैंग्वेज भी गैरेज वाली हो गई है। ओ मैं कह रहे थी मेहता साहब तो यहीं है, तो इनके बगैर तो कुछ होने वाला ही नहीं। फिर चलिए जल्दी शुरू करते हैं। अरे एक मिनट अंजलि भाभी, आप दोनों यही रुकिए, बाबा ने कहा है कि सारी तैयारी होने के बाद वो आप लोगों को बुलाएंगे। अच्छा ठीक है, हम यही रुकते हैं, जैसी तैयारियां हो जाए आप हमें फोन कर देना। हाँ हाँ, अगली लगे।
चलो चलो हम सब चल के देखते हैं चूड़ी वाले बाबा ने क्या क्या तैयारियां की है। चलो चलो अरे बाप रे, ये बाबा तो सच में खतरनाक लग रहे हैं। करेले का भूत इनको देख के ही भाग जाएगा। चाचा जी है ना बड़ा बढ़िया अरेंजमेंट, वो मैं तो एक एक पल का मजा लूंगा। देखते हैं क्या होता है। ओए यारो, ये चूड़ी वाले बाबा तो काफी डेंजरस दिख रहे हैं। मैं तो अंकल का क्यों होगा? टेंशन मत ले कोकी, मुझे तो ये बाबा ढोंगी लग रहा है। जैसा प्लान किया ना वैसा ही करेंगे। बाबा हम आ गए हैं। ये है चूड़ी वाले बाबा जो भूत प्रेत को चुटकी में भगाते हैं। जय चूड़ी वाले बाबा की, जय चूड़ी वाले बाबा की, जय चूड़ी वाले बाबा की, जय चूड़ी वाले बाबा की। पहने मेरी चूड़ी उसकी समस्या उड़ी। वो उड़ी के बाद क्या बोला बस समझ में नहीं है। कुछ नहीं, ये मेरा भूत को डराने का तरीका है। वीडियो बनाता है स्टडी के लिए। हाँ बनाओ बनाओ। वरना ये भूत तुम्हारे मोबाइल में घुस जाएगा और तुम्हारी जिंदगी में पनौती लाएगा। अय्यर पीछे जाओ, कोई शूट करने की जरूरत नहीं है, प्लीज प्लीज। शूट क्यों कर रहा तुम? अरे आत्मराम, मैं स्टडी के लिए वो वीडियो ले रहा हूँ। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे ये चूड़ी वाला बाबा करेले की आत्मा क्या हमारी आत्मा भी निकाल लेगा? मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, जाओ अब उस इंसान को लेकर आओ जिसके शरीर पर करेले के भूत ने कब्जा किया है। लाओ भी लाओ। आइए फोन दो ना।
किसका फोन है? हेलो अंजलि भाभी, यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है, आप मेहता साहब को लेके ऊपर आ जाइए। हाँ हम अभी आते हैं। बात समझने की कोशिश करो, ये बाबा बाबा सब ये करने की क्या जरूरत है, तुम जो कहोगी मैं करूंगा ना। आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपके अंदर की भूत को, इस डर को बाहर निकालना तो पड़ेगा ही ना। अंजलि ये बाबा लोग भूत भगाने के लिए बहुत अजीब अजीब चीजें करते हैं। बस तारक अब और बहाने मत बनाइए। तारक आप नहीं जानते आपकी इस हालत की वजह से पूरी सोसाइटी को कितनी परेशानी हुई है। चलिए उठिए। अगर मैं बाबा के सामने गया तो मेरा बचना बहुत मुश्किल है। एक काम करता हूँ, यहीं से भाग जाता हूँ। तारक आप कहीं भागने का तो नहीं सोच रहे ना? तुम्हें कैसे पता? पत्नी हूँ आप। तारक आप डरिए मत, ये सब आपके भले के लिए हो रहा है, बस दो घंटे की तो बात है। मैं अंजलि को कैसे समझाऊं कि दो घंटे में मेरे 12 बजने वाले हैं। अरे फिर से आप सोच में पड़ गए। चलिए पर अंजलि सुनो, चलिए मैं क्या कर रहा हूँ अंजलि देखो। ऐसे क्या देख रहे हो? मेरे अंदर मेरी ही आत्मा है, किसी और की नहीं। हाँ अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। सब ठीक हो जाएगा, चलिए आप। अरे चलिए आप। अभी यहाँ पर ऐसा होने वाला है जो आपने पहले कभी नहीं देखा है। आज आप सब एक अद्भुत नजारे के साक्षी होने वाले। आपकी कार, हाथ और ये क्लब हाउस के दरवाजे खोल दो, क्योंकि कुछ ही देर में यहां पर भूत आने वाला है। भूत आ गया। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तड़पा तड़पा के परेशान करके इसके अंदर छिपी आत्मा को बाहर निकालूंगा। हाँ निकाली अरे बाप रे, ये बाबा तो बड़ा खतरनाक लगता है। भूत तो है ही नहीं, मेरे अंदर क्या भगाएगा, हालत खराब कर देगा मेरी। बोली तू एकदम सही कह रहा था, ये पक्का ढूंगी बाबा है, भूत है नहीं और भूत की बातें कर रहा है। एग्जैक्टली, देखते ना आगे क्या होता है, मजा आएगा। मैंने इसके अंदर छिपी आत्मा को ढूंढ लिया है। इस मासूम को उस भूत ने अपने पास में जकड़ लिया है। वाह बाबा कितने अंतर्यामी चूड़ी वाले बाबा और मैं आमने सामने।
मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसे जैसे किसी बॉक्सिंग रिंग में किसी हैवीवेट चैंपियन के सामने कोई नौसिखी आ गया हो। क्या होगा मेरा? टप्पू सेना ने वादा किया था कि बचने का कोई तरीका बताएंगे, कोई आइडिया सुझाएंगे, पर वो भी चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे हैं। क्या करूंगा मैं? ऐसे हालत में यही पंक्तियां मुझे याद आती है, कोई गलती ऐसी ना करो कि सुधार ना पाओ, कोई गलती ऐसी ना करो कि सुधार ना पाओ, वरना इतने जख्म मिलेंगे कि इलाज ना करा पाओ। मेरी पतंग तो कटने वाली है। वैसे पतंग से याद आया मित्र, आज है पतंगों का त्योहार मकर संक्रांति। आज का त्योहार आप सभी को बेहद शुभ हो, शुभकामनाएं। आज का त्योहार है तिल गुड़ खा के मीठा मीठा बोलने का। ईश्वर करे आपके जीवन में हमेशा समृद्धि बनी रहे। आज हमारे दक्षिण भारत में पोंगल का त्योहार भी मनाया जाता है। आप सभी को पोंगल की और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे लिए ये भी प्रार्थना है, कीजिए कि भगवान करे मैं इस बाबा से बच जाऊं, चूड़ी वाले बाबा से बच जाऊं, करेले से भी बच जाऊं, और मेरा झूठ पकड़ा भी न जाए। पता नहीं ये मेरी झूठ की पतंग उड़ेगी या कटेगी, ये मैं नहीं जानता, लेकिन आपके घरों में हंसी हंसी होगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.